जयनगर श्री श्री 108 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा रामचरितमानस महायज्ञ का उद्घाटन महामंडलेश्वर ध्वजाधारी धाम कोडरमा के सुखदेव दास जी महाराज विधायक अमित कुमार यादव ने दीप प्रज्वलित व फीता काट कर किया। मौके पर महामंडलेश्वर ने कहा, यज्ञ करने से समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ करना नितांत आवश्यक है। आज अनावश्यक तत्व के लोग धर्मांतरण को लेकर विशेष जोर दे रहे हैं। सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, परंतु सनातन धर्म विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि विजयनगर क्षेत्र में मंत्रोच्चारण से पर्यावरण गुंजायमान हो रहा है। निश्चित तौर पर क्षेत्र में धर्म के प्रति लोग जागरूक हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर 3100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई, जो नजदीकी बढ़ाकर उत्तर वाहिनी से जल लेकर यज्ञ मंडप में प्रवेश हुई। इस महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा यज्ञ को संपन्न कराने में यज्ञाचार्य सुशील कुमार पांडे एवं उपाचार्य उपेंद्र पांडे, आचार्य अजीत शास्त्री वाराणसी, अक्षय शास्त्री रंटू पांडे के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष चतुरानंद पंडित ने बताया कि यज्ञ को सफल करने के लिए समिति के सदस्य लगे हुए हैं। यज्ञ समिति के सभी सदस्य लोग भरपूर सहयोग दे रहे हैं। 27 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ महाभंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें आसनसोल धनबाद के कलाकार भाग लेंगे। कोषाध्यक्ष प्रकाश पंडित ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु यज्ञ भगवान की कृपा से सभी चीजें सकुशल संपन्न हो जाती हैं। प्रत्येक दिन संध्या महाआरती तथा प्रवचन का कार्यक्रम किया जाएगा। मौके पर विधायक अमित कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पवन सिंह, शिक्षाविद रामदेव प्रसाद यादव, लक्ष्मण चंद्र यादव, यज्ञ को सफल बनाने के लिए यज्ञ समिति के अध्यक्ष चतुरानंद पंडित, सचिव गंगू नायक, कोषाध्यक्ष प्रकाश पंडित, विकास पंडित, सुखदेव यादव, सीताराम राणा, प्रकाश पंडित, रामचंद्र पंडित, सुरेंद्र राणा, सुरेंद्र पंडित, नागेश्वर पंडित, नारायण पंडित, बद्री राणा, लक्ष्मण पंडित, बाबूलाल विश्वकर्मा, सिकंदर पंडित, रामानंद पंडित सहित यदि समिति के सभी लोग लगे हुए हैं। जयनगर से पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट। अभी मैं जयनगर प्रखंड के नंदोड़ी सीधड़ी में हूं, जहां भव्य यज्ञ का शुभारंभ होना है और आज कलश यात्रा है। लगभग 5001 महिलाओं के द्वारा कलश उठाया जाएगा और हमारे साथ बने हुए हैं इस गांव के बहुत सारे नवयुवक, यज्ञ समिति के सदस्य, यज्ञ समिति के अध्यक्ष चतुरानंद पंडित जी हैं, कोषाध्यक्ष प्रकाश पंडित जी। अभी जानेंगे कि यज्ञ का क्या महिमा होती है, यज्ञ को सफल बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यज्ञ के बारे में? सर, यज्ञ में आपको एक बार पहले भी बता दें, झंडारोपण दिन में ग्राम में इसे बहुत सारा लोग का आस्था जो जुटता है, उसमें क्या होता भाई कि शांतिपूर्वक जिंदगी जीने का राह दिखता है, शांतिपूर्वक से आगे बढ़ने का, और बहुत सारा कठिनाइयां जो है बजरंग बली द्वारा संकट दूर करते हैं। ये तो आदि काल से चलते हुए आए हुए हैं। यज्ञ की महिमा क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि यज्ञ करने से समस्त आसुर शक्तियों का विनाश होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? सत्य बात है, आसुर विनाश होती है, जो दिखाया हुआ है महाभारत वगैरह वगैरह में जो भी दिखाया है। आज आप धीरेन्द्र जो बालाजी महाराज है, वो भी बहुत सारे हिन्दू को जोड़ रहे हैं अपने स्तर में, जो अदर कास्ट में भटक गए हुए हैं, जो धर्म परिवर्तन करते हैं लोग कि हिंदू से मतलब कि हमें ईसाई में चल जाए, ईसाई से वहां चल जाए, वहां से यहां चल जाए, लेकिन वो सब करते हुए देखते हुए धर्मेंद्र प्रसाद जो है बालाजी का महाराज, वो बहुत सारे कल वापसी किए हैं लोगों, और ऐसा होना चाहिए। दक्ष जोन से बहुत सारा अपने आप को संतुष्ट और मतलब भगवान का आशीर्वाद जरूर होगा। संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, विशेष करके यज्ञ समिति के सदस्यों को, उन्होंने काफी शुभकामना देना चाहिए। सर जी, पूरे ग्रामीण का सहयोग है, एक साल से मेरा संघर्ष प्रयास रहा यज्ञ को सफल बनाने में करने में, और अगल बगल जितने भी ग्रामीण बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मेरे ग्रामीण का भरपूर सहयोग रहा, हर व्यक्ति का बच्चा से बच्चा तक का सहयोग। अभी अभी हमारे यज्ञ समिति के प्रांगण में पहुंचे हैं बरकट्ठा विधानसभा के युवा विधायक, युवा दिनों में राज करने वाले, विकास पुरुष कहे जाने वाले अमित कुमार यादव जी। जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में, आज के इस कलश यात्रा के बारे में। श्रीमान, चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है, क्या संदेश और क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, अभी पूरा जयनगर कोडरमा की धरती पूरा यज्ञमय है, और इसमें चार चांद हमारे नंदोली के लोग लगा रहे हैं, और लगातार पिछले एक महीने से जब से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ, झंडा जब खड़ा हुआ, झंडारोपण हुआ,
तब से पूरा उत्सव का माहौल है। पूरा यहाँ पे शुद्धिकरण के साथ साथ यहाँ पे हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का जो शुभारंभ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सभी अपने अपने भक्ति अपने अपने श्रद्धा के अनुसार से अपने अपने कुल देवता का आराधना करते हैं लोग। और उसी में आज नंदोदी में भी कलश यात्रा के साथ साथ 9 दिन का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। और मैं इस यज्ञशाला से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और पूरे राज्य की जनता को, देश की जनता को उनके सुख शांति सुखमय जीवन के लिए यहाँ से भगवान हनुमान से प्रार्थना करता हूँ। सबको बल बुद्धि विवेक दे और सभी आपस में अच्छे से रहें, शांति से रहें, सद्भावना के साथ रहें, सब मिलजुल के रहें। भगवान सभी युवाओं को बल बुद्धि दे, विवेक दे, सबका धन संपन्नता से भरे और सभी में सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिला परिषद सदस्य केदारनाथ यादव जी, इनसे भी जानेंगे यज्ञ की क्या महिमा होती है, यज्ञ का क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है और क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ यज्ञ समिति नंदोड़ी की ओर से। और यह जो यज्ञ हो रहा है इस क्षेत्र के लिए एक सुख समृद्धि लाने और इस क्षेत्र के लोगों के लिए शांति कायम करने के लिए दिया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सभी बुजुर्ग जो हैं संगत के समान हैं और नौजवान जो है सभी हनुमान के तौर से यहाँ पर जब को सफल करने में लगे हुए हैं। यहाँ के सभी माताएं सीता के समान हैं जिनका मैं आदर करता हूँ। सभी निश्चित रूप से यहाँ जब होगा इस क्षेत्र में बहुत ही अमन चयन आएगा, सुख समृद्धि आएगी। इसी को हम शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।